भी हैं, 56 साल की एज हो चुकी है और मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा अमित गुप्ता नाम है और मुझे आईआर से मुझे मालूम मुझे मदद मिली है और अच्छी सुविधा मुझे मिली है। अच्छा मतलब जो है मुझे मतलब करबला मतलब वहाँ से फाउंडेशन से मालूम है, हम वर्ल्ड से जो है सब लोग गए तो सुनवाई अच्छी हो गई और सब कुछ बढ़िया रहा। जी मेरा नाम दानिश है, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैंने 2-3 दिन दवा ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं गोलागंज में एडमिट रहा, गोलागंज में मैंने दिखाया, फिर आईआर की तरफ से मैंने कॉन्टेक्ट किया, डॉक्टर साहब ने भी मेरी बहुत हेल्प की, मुझे पूरा इलाज मेरा 6-8 महीने जो चला आज मुझे सिलेक्ट कर दिया कि मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। आईआर की कंपनी वाले उन लोगों ने मुझे जो पूरा मेरा ध्यान दिया, मुझे सिलेक्ट कर दिया। मैं मरते मरते मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है, मेरा ऑपरेशन हुआ है आईआर के सहयोग से, मुझे मेरा पथरी का ऑपरेशन हो चुका है। मुझे बहुत दिक्कत थी, यहाँ पे दर्द होता था हमेशा, बहुत दिक्कत होती थी, ऑपरेशन होने के बाद ही मेरा ठीक हुआ। मेरा नाम जहर हुसैन है, मैं 22 साल को उम्र का हूँ, आईएआर नहर वाली करबला से हमारा इलाज चल रहा है। ये हमारे जो टच में आया है तकरीबन 3 साल पहले टच में आया था, इसके हार्ट प्रॉब्लम भी थी और पेट में भी काफ़ी इसका फूला हुआ था, जिसकी वजह से इसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी और चलने में भी इसे प्रॉब्लम काफ़ी थी। लेकिन आईआर से जब से टच में आया है तो आईआर ने इसके साथ काफ़ी मेहनत की है, मेडिकल कॉलेज में दिखवाया और मेडिसिन से इसकी हेल्प की गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था लेकिन मेडिसिन के ज़रिए दवाओं के ज़रिए ही इसको सही कर लिया। पहले काफ़ी पेट इनका निकला होता लेकिन अब जब से आईआर के टच में आया है और वहाँ से इसका इलाज किया गया है तो अभी काफ़ी सही। मेरा नाम हैदर हुसैन अब्दी है, मैं कैंसर के मर्ज का मरीज हूँ। मुझे शाले हैदर जैदी ने बताया कि आप फिक्र न कीजिए, कैंसर के मरीज यहाँ ठीक हुए हैं मौला के दरबार से। शाले हैदर जैदी यहाँ काम करते हैं, उन्होंने हमको यहाँ के लिए मुतवज्जे कराया, उनके कहने से मैं यहाँ आने लगा। बार बार आईएआर के मतलब से यहाँ के लोगों ने हमारे साथ बड़ी सिंपैथी की, आईएआर के लोगों ने, और हमको बहुत सपोर्ट किया, हमें तसल्ली दी। करीब 1 महीने से ऊपर हो चुका है मुझको यहाँ आते आते। जैसे हमारे डॉक्टर ने कहा कि जो पहले गांठ बड़ी सी थी वो अब आपकी बिल्कुल इतनी सी रह गई है, अब वो भी इंशाल्लाह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, आप दवा लगातार करते रहिए। हम दवा करते रहे, हमको अब ना कोई खाने में तकलीफ़ है, ना कोई ज़बान में तकलीफ़ है, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ़ परेशानी है। हम अपने मौला के शुक्रगुजार हैं, उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमको सेहत दी, शिफा दी और इस कैंसर के मर्ज से हमको छुटकारा दिलाया। आईएआर के अस्पताल से हमको यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिला और इन लोगों ने हमारे साथ बड़ी हेल्प मदद की और हमारे लिए दुआएं भी की इन सब ने। हम बताते रहे यहाँ पर अपने मौला से, कहते रहे, हमारे मौला ने हमको अपने दरबार से भीख अता की और सेहत अता की और शिफा अता की। मैं डॉक्टर अमर खान आईआर चैरिटेबल को गवर्न कर रहा हूँ 2014 से। अली रजा चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, जिसकी मदर कंपनी जो है वे एम ए हर्बल है और ये एक इनिशिएटिव स्टेप जो है वो डॉक्टर यावर अली शाह साहब की तरफ से हुआ है। शुरू में पेशेंट ले लिए थे और सुपर स्पेशलिटी के लिए मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दिखवाते थे। अब साथ साथ बच्चों के कुछ बच्चों के फीस का भी जो है वो हम लोग करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके अलावा जो है वो जो बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं वो भी मेडिकल कॉलेज वगैरह में हम लोग कराते हैं। उसके अलावा भी आईआर के कई काम हैं, जैसे थर्सडे को, हर मंथ के थर्सडे को एक प्रोग्राम करते हैं, जो स्कॉलर्स हम यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको हम लोग ट्यूशन्स पढ़वा रहे हैं घरों के ऊपर, स्कूल्स में भी वो अलग अलग स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको वो लाने ले जाने तक का जिम्मेदारी स्कूल हमारी ट्रस्ट की तरफ से रहती है और सारे एक्सपेंडिचर्स जो है वो कंपनी बियर करती है हमारा, जो कि इसकी और वो फीस अवेलेबल है। मतलब ये कि हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, हर वर्ग के लोग दिखाते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है और ऑपरेशन से लेकर ट्रीटमेंट में भी हर मजहब का हर उसका आदमी यहाँ आता है, जो कि फ़ायदा भी उठाता है और हम लोग उनको खिदमत कर रहे हैं।